प्रीशा श्रीनिवासन यहाँ है। प्रीशा खुराना आंटी जी, I'm so sorry, दोनों ऑपरेशन थिएटर में हैं। मैंने आपको पहली बार कॉल किया and that too with a bad news. I'm so sorry. प्रीशा के फादर को कैसे हैं, आप ठीक हैं? प्रीशा और सारांश के बारे में सुनकर उनकी तबीयत और खराब हो गई है। That's horrible. तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? नहीं नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं। Please don't cry. पता चला प्रीशा कहाँ है, सारांश कहाँ है? दोनों ओटी में हैं, ऑपरेशन हो रहा है। रुद्र, हैव सम जूस, अच्छा लगेगा तुम्हें। रुद्र, मीश सही कह रही है, जूस पी लो। अभी ब्लड डोनेट करके आए हो ना, डिजी फील हो सकता है। कम ऑन, ड्रिंक अप। ले लो रुद्र, तुम्हारा ठीक रहना बहुत जरूरी है। गुड। कैसा सारांश, ठीक है ना? हाँ, अभी बिल्कुल खतरे से बाहर है। आपने सही समय पर खून देकर अपने बच्चे की जान बचा ली। क्या हुआ? प्रीशा ठीक है ना? क्या वो कुछ बताएंगी? प्रीशा ठीक है ना? वो ठीक नहीं है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो डॉक्टर को बोलो ना कुछ करे। मुश्किल है, वो कोई ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। मतलब वेंकटेश्वर, मेरी बच्ची को बचा लो। अरे कुछ कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, मेरी बच्ची को बचाओ। इस वक्त प्रीशा को सिर्फ सारांश ही बचा सकता है। छोड़िए सर। सर आप बाहर निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे आप अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर, और ये डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। ये प्रीशा है मेरी वाइफ और ये सारांश मेरा बेटा है। बाहर नर्स कह रही थी कि प्रीशा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करिए, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेके आया। पर ये क्या करेगा? ये जान है प्रीशा की। एक बार प्रीशा को पता चल जाएगा ना कि ये ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है, तो ये भी अपने आप ठीक हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? पता है आपको, आप बाहर जाइए प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। आप तो काम कर ही रहे हैं ना, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। सो प्लीज डॉक्टर, प्लीज जस्ट 2 मिनट्स, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। मैं उसके बाद चला जाऊंगा, प्लीज आई बेग यू डॉक्टर। पर आप करेंगे क्या? मैं बेटे को उसकी माँ से मिलवाऊंगा बस, और फिर कोई मिरेकल हो जाएगा। पता नहीं, पर मैंने सुना है कि एक माँ के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कोई नहीं होता। इनफैक्ट मैंने देखा भी है। प्लीज डॉक्टर, आप प्लीज मेरी बात मानिए। जहाँ दवा दुआ सब फेल हो जाते हैं ना, वहां सिर्फ बाकी ममता ही काम आती है। सो प्लीज जस्ट 2 मिनट में। ठीक है ओके नर्स, थैंक यू। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इस हालत में भी एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं सारांश को कुछ नहीं होने दूंगा। ये देखो, सारांश ठीक है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, पर अब तुम्हें संभालना है। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें ठीक होना है, नहीं तो सारांश का क्या होगा, कैसे जिएगा? भाई तो छोड़ के चले गए इसको, तुम भी चली जाओगी? हाँ, अनाथ बनाना इसको। मैं नहीं संभाल पाऊंगा उसको अकेले, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। बात बात में मम्मा मम्मा करता रहता है ये, क्या करूंगा मैं, इसलिए यहाँ लेके आया मैं इसको। अब तुम जानो और ये जानो। डायरेक्टली बोल दो इसको कि तुम्हें ठीक नहीं होना है। तुम क्यों हो, बोलो ना, बोलो इसको कि तुम ठीक नहीं होगी, छोड़ के चली जाओगी इसको, बोलो ना। प्रीशा 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 प्रीशा, आपका टाइम खत्म हो गया, प्लीज आप बाहर जाइए, कुछ नहीं हो सकता है। एक और मिनट प्लीज, इन्हें बाहर करो। कि क्या है यार प्रीशा, मान जाओ ना सारांश के लिए। अरे इसके लिए तो तुम दुनिया से लड़ जाती हो, तुम हार क्यों मान रही हो तुम? प्रीशा प्लीज छोड़ के मत जाओ इसको, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज प्रीशा वापस आ जाओ, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, सारांश के लिए वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना कोई नहीं संभाल सकता इसको, प्लीज प्रीशा। सारांश तू बोल ना मम्मा को, तू बोल इसे, तू बोल कि मम्मा वापस आ जाओ, तेरी बात तो नहीं टालेगी ना। एक बार बोल सारांश, प्लीज मम्मा को बोल वापस आ जाओ, बोल। इसका हाथ ऐसे कस के पकड़ ले सारांश, प्लीज पकड़ ले इसका हाथ और बोल, बोल मम्मा वापस आ जाओ, बोल 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 सारांश। सारांश प्लीज मम्मा को बुला यार, प्लीज बुला। सारांश वो सिर्फ तेरी बात मानेगी और किसी की बात नहीं मानेगी, प्लीज सारांश, सारांश तू ही कुछ कर सकती है। इन्हें बाहर करो। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज वो मर जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे मुझे थोड़ी देर रहने दीजिए। डॉक्टर आप आ जाए पहले। एक सेकंड सारांश, मम्मी का हाथ पकड़ ले और बोल बोल मम्मा। और एक बार बोल सारांश। हाँ, हार्ट बीट इंप्रूव हो रही है, पल्स भी नॉर्मल हो रहा है। डॉक्टर आपने रियली मिरेकल कर दिया है। तो डॉक्टर ये ठीक है ना प्रीशा? आपने और आपके बेटे ने इनकी जान बचा ली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जाइए, अब हमारा काम है, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। एक मिनट, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो तुम? ऐसे घुसता कोई ओटी में, वो भी एक बच्चे को लेके? इसे कुछ हो जाता तो? और प्रीशा को कुछ हो जाता तो अंदर डॉक्टर्स हैं ट्रीट करने के लिए उसे। तुम क्या अपने आप को भगवान समझते हो कि तुम अंदर जाओगे? मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आज सारांश बना है भगवान प्रीशा के लिए। क्या प्रीशा ठीक नहीं हो रही थी क्योंकि ये उसके पास नहीं था, और जैसे ही सारांश मिला, इसकी आवाज सुनी, वो अपने आप ठीक होने लगी। वो ठीक है, खतरे से बाहर है, वो डॉक्टर ने खुद बोला है। तुमने मेरी बेटी को मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है सारांश ने किया है। अलग ही कनेक्शन है माँ बेटे का। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने इसका हाथ प्रीशा के हाथ में दिया और इसने बोला मम्मा, और उसके बाद पता नहीं कैसे प्रीशा का बीबी, हार्ट बीट सब नॉर्मल होने लगा। How wonderful! And God! ऐसा लग रहा है जैसे उसको नई जिंदगी मिल गई हो। इस बच्चे ने अपनी माँ को एक नई जिंदगी दी है। भगवान के रूप में आया ये लड़का, लेकिन अगर तुम सारांश को प्रीशा के पास नहीं ले जाते ना तो उसको ये नई जिंदगी। नहीं, सब इसने किया है। अच्छा ठीक है, पर थोड़ा दूर रहो, तो इसको और परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नर्स, कौन से वार्ड में लेके जाना है इसे? मैं ले जाता हूँ। अम्मा प्लीज, ये प्रीशा के लिए। युवराज, मेरे कन्ना का ध्यान रखना। हाँ, मेरा कन्ना बेटा है, मेरा अपना बेटा, कुछ नहीं होने दूंगा। और अगर मेरे साथ होता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं।